नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भारत का आंतरिक मसला है, ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पिछले 1.5 महीने से हर मंच पर मुंह की खाने के बावजूद बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहा है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, मानवाधिकार आयोग हो, यूरोपियन यूनियन हो या मुस्लिम देशों के संगठन। हर जगह से पाकिस्तान को लताड़ पड़ रही है, लेकिन पाक है कि सुधरता नहीं, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। कश्मीर पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को यूएनएचआरसी से एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा। शुक्रवार को यूएनएचआरसी में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने का आखिरी दिन था, लेकिन पाकिस्तान को किसी का समर्थन नहीं मिल सका। मजेदार बात यह है कि जो इमरान खान यूएनएचआरसी के कुल 47 सदस्य देशों में से 58 देशों का समर्थन हासिल होने का दावा कर रहे थे, उन्हें इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम जरूरी 16 सदस्यों का भी साथ नहीं मिल सका और उनकी कोशिश नाकाम हो गई। भारत के लिहाज से यह हमारी बड़ी कूटनीतिक जीत है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएनएचआरसी में इस्लामिक सहयोग संगठन के 15 देश हैं। महमूद कुरैशी ने अपने देश से वादा किया था कि वो इस पर कम से कम मुस्लिम देशों का तो समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वहीं भारत ने इस बैठक में एक बार फिर पाक को ऐसी धोबी पछाड़ लगाई कि वो अब उठ नहीं पाएगा। कश्मीर पर चर्चा के दौरान भारत की सचिव कुमम मिनी देवी ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन पाकिस्तान इस फैसले को गलत तरीके से पेश कर अपनी बदनीयत को छुपा नहीं सकता। उन्होंने पाकिस्तान को उनकी धरती पर हो रहे अत्याचारों को भी याद दिलाया। आवर डिसीजन इन जम्मू एंड कश्मीर इज विद इन आवर सॉवरेन राइट एंड इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। नन ऑफ पाकिस्तान्स अटेम्प्ट्स टू मिसप्रेजेंट आवर डिसीजन अंडर डिफरेंट एजेंडास कैन हाइड इट्स टेरिटोरियल एम्बिशंस ओवर जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान्स फ्रेंटिक रिएक्शंस कुड बी वेल अंडरस्टूड एज आवर डिसीजन इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स इन पाकिस्तान्स कंटिन्यूअस स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। While talking about acts of reprisals, let me turn to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and territories under its control. Cases of enforced disappearances, murders, detentions, custodial deaths, and torture of civil rights activists, representatives of local political parties, and journalists are common and standard practice adopted to silence voices against the government and deep state in Gilgit-Baltistan. Rampant media censorship blocks channels of expression of popular resentment and ensures that the correct ground realities are never reported. The police brutality, including aerial firing in Gilgit, killing and injuring civilian protesters for demanding their basic political, constitutional and civil rights, many times this year could not find prominence even in the domestic media of Pakistan. आपको बता दें कि इससे पहले 12 सितंबर को यूएनएचआरसी में हुई चर्चा के दौरान भी पाकिस्तान ने कश्मीरियों पर अत्याचार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी थी। यही नहीं, भारत ने यह भी साबित कर दिया था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ बन गया है। दरअसल जिनेवा में यूएनएचआरसी का 42वां सत्र चल रहा है। पाकिस्तान के पास कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव रखने का समय शुक्रवार तक ही था। नियम के मुताबिक किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए कम से कम 16 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान इस समर्थन को भी नहीं जुटा सका। अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते बचे हैं और वो है कश्मीर मुद्दे पर बहस या फिर विशेष सत्र। इनमें विशेष सत्र एक मजबूत विकल्प हो सकता है, लेकिन ये सत्र सिर्फ 27 सितंबर तक ही चलेगा। ऐसे में इसकी संभावना कम हो जाती है, और अगर पाकिस्तान इस मुद्दे पर बहस करना चाहता है तो उसे कम से कम 24 देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है जो पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए 16 सदस्यों का समर्थन नहीं जुटा सका, वो बहस के लिए 24 सदस्यों का समर्थन कैसे हासिल करेगा।